एक एक शब्द महत्वपूर्ण है कि जामवंत जी के द्वारा सबसे पहले बोलने की शुरुआत हुई और पदम 18 जूथा बंदर वहां बैठे हुए हैं, लेकिन सुनने वाले कौन हैं? वहां बूढ़े जामवंत जी की हनुमान जी महाराज। अच्छा, हनुमान जी क्या है और जामवंत जी क्या है? ले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी अति बूढ़े हैं और हनुमान जी क्या है? अतुलित बलधामम हेम शैलाहदेहम अतुलित बल धाम। बोलो भाई, अतुलित बल के धाम है। एक बलवान, एक जवान, नौजवान, बोलो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? किसकी बात सुन रहा है? सुंदरकांड में जल्दी बोलो, बूढ़े की बात सुन रहा है। सावधान, जिस घर में, जिस समाज में बूढ़े की बात नौजवान सुनने लग जाएं, याद रखना उस घर में, उस समाज में उसी दिन से सुंदर कांड शुरू हो जाएगा प्यारे। उस समाज में सुंदर कांड होगा और राष्ट्र में भी उनके द्वारा सुंदर कांड ही होंगे। आज बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और विभत्स कांड हो रहे हैं। बोलो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इतने विभत्स कांड हो रहे हैं प्यारे कि सुनकर के आश्चर्य हो जाता है। और उन कांडों ने धरती हिला दी है, पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है। ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। किसके द्वारा? बोले नौजवानों के द्वारा हुए हैं। बोलो, हुए हैं कि नहीं? जिन्होंने धरती को हिला दिया, समाज को कपा दिया और राष्ट्र की नींव को उखाड़ने की कोशिश की। ऐसे ऐसे कांड नौजवानों के द्वारा हो गए, बड़े बड़े विभत्स कांड। कारण क्या था? कारण यही था कि उन्होंने बूढ़ों की बात नहीं मानी, वृद्धों की बात नहीं मानी। अगर वृद्धों की बात वो मान लिए होते तो उनके हाथों से विभत्स कांड नहीं होते। जो वृद्धों की बात नौजवान मानते हैं उनके हाथों से सदा सुंदर कांड ही होते हैं प्यारे। इसलिए सुंदर कांड पढ़ने के पहले सुंदर कांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि हम समाज में कोई भी कार्य करें नौजवान हैं तो बूढ़ों की बात मान करके करें। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति समय के अनुसार हमें उचित गाइडलाइन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा शिक्षा की क्रांति में आजकल के नौजवान कहते वो पुराना जमाना अलग था, वो पुरानी सोच थी, लेकिन आधुनिक जमाने में अब आधुनिक सोच और थोड़ा सा ऐसी सोच होना चाहिए जिस सोच से विकास हो, ऐसी सोच होना चाहिए। ओ, पुरानी सोच है बूढ़ों के पास, ठीक है। मैं एक बात कहता हूं, कम से कम एक बार अपनी बात बूढ़ों के सामने रख दो, ठीक है ना? और यदि तुम्हें उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो इतना ही कर ले आज का नौजवान, यदि वो अपने हाथों से सुंदर कार्य करना चाहता है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना है, इसके पहले तुम्हारा धर्म कहता है कि परिवार में, गांव में जो भी वृद्ध हैं उनका आशीर्वाद लेकर के उस कार्य को प्रारंभ किया जाए। मैं कहता हूं तुम्हारे हाथों से मंगल कार्य होगा। हनुमान जी ने यही किया, यही किया हनुमान जी से। हनुमान जी महाराज तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के समुद्र हैं। जामवंत जी की बुद्धि का मूलांकन किया जाए, हनुमान जी की बुद्धि का मूलांकन किया जाए तो बहुत अंतर आएगा, समझ लेना। अवस्था तो ज्यादा है, लेकिन जहां ज्ञान का मूलांकन करोगे वहां अंतर आ जाएगा। लेकिन देखें, आप शुरुआत करने जा रहे हैं इस कांड में हनुमान जी, लेकिन कैसे करने जा रहे हैं, किस विधा से करने जा रहे हैं, बस इसी को सुन लो। कह जामवंत के बचन सुहाए, ओ सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो प्रश्न
हुआ कि वचन कौन है, वचन तो बताओ कौन है। कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, ये वचन है। ऋक्षपति मानी जामंत जी, जामंत नाम है, उन्हीं को ऋक्षपति कहते हैं। कहे ऋक्षपति अरे सुन हनुमाना, ओ का चुप साध रहूं बलवान। तुम्हारे जैसा बलवान चुप हो गया, आश्चर्य है, आश्चर्य है। अरे सुनो मेरी बात, चुप होने की जरूरत नहीं है। अब हनुमान जी महाराज को कहा जा रहा सुनो, वो कहे सुन हनुमाना, स्पष्ट रूप से नाम लिया हनुमान जी का, लिया कि नहीं लिया, ये नहीं कहा कि सब सुनो, नहीं, सुन हनुमाना, हनुमान हमारी बात सुनो। अब वचन क्या थे, कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहू बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या सुना, उस सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया की? भाई मैं ये मानता हूं कि सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अरे इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि कोई बूढ़ा बोल रहा हो, नौजवान सुन रहा हो, सुन करके उत्तर न दे, प्रतिक्रिया न करे, ये भी तो गड़बड़ है। इसमें भी बूढ़े का अपमान है कि हम एक घंटे से बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो, वो बैठे बैठे सुन रहे हो, वो बाकी करने के लिए तैयार नहीं हो, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, ना बोल रहे हो। क्यों भाई, लगता है कहने वाले को कि नहीं ऐसा, कि तुम बोलो तो कम से कम, ऐसे नो में जवाब होना चाहिए। अब सुनो सुनो, बहुत बढ़िया बात है। कहा ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध, चुप यानी चुप्पी साधे हो तुम, रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, ओ जो नहीं हो तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी चुप के चुप, तो जो बंदर बैठे हुए थे अगल बगल सब, उन बंदरों ने कहा कि अगर बोलने वाला बोल रहा है और अगर नाम लेकर के, किसी का नाम लेके बोल रहा है, वो व्यक्ति अगर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो बार बार बोलना नहीं चाहिए, समझदार का यही काम है, उसे चुप हो जाना चाहिए। लेकिन आपों की बुद्धि बुढ़ापे में ऐसी हो गई कि बोलते ही चले जा रहे हो, जब वो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो चुप हो जाओ, काहे को बोल रहे हो। जानमंत जी ने कहा नहीं, खबरदार, तुम लोग समझते नहीं हो, हनुमान जैसा आदर्शवादी दुनिया में कोई नहीं है, दूसरा है। हनुमान जैसा आज्ञाकारी भी दुनिया में कोई नहीं है, वो हनुमान जैसा बूढ़ों का सम्मान करने वाला भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, वो हनुमान जैसा भक्त भी, राम भक्त भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो बंदरों ने कहा कि अब नहीं है दूसरा, लेकिन अब सामने तो देख ही रहे हो कि क्या स्थिति है, अब नहीं बोल रहे हैं तो क्या करोगे, बोलो, बुलवाओगे कैसे। जामवंत जी ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है और वो भूल मैं ही कर रहा हूं। क्या बात है साहब, देखो बूढ़ों को भी थोड़ा संतुलन बना के चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अब नौजवान थोड़े हंसे और गर्दन हिलाए कि महाराज कम से कम ठीक तो बोले, अभी तो एक ही पक्षी बात हो रही थी। इसलिए तो कहता हूं कि सुंदरकांड बहुत महत्वपूर्ण है, ये आचार्य संहिता है सुंदरकांड,
इसको साधारण मत समझना, क्या है? आचार संहिता है। ए बच्चों, थोड़ा इन बच्चों से कहो, थोड़ा बोले ना आपस में, बोलो नहीं बेटा इधर आओ, इधर बैठो, उधर बातचीत करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तो कथा हो रही है नौजवानों की, तो सुनो। विचार, बूढ़े को भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे घर का नौजवान, हमारे गांव का नौजवान हमारी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है, क्यों भाई क्यों नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। और समझदार नौजवान तैयार नहीं है मेरी बात सुनने को तो क्यों नहीं है, क्यों भाई? समझदार नौजवान, अरे भाई समझदार है, शिष्टाचारी बालक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कोई भूल हो रही है, उस भूल का मुझे सुधार करना चाहिए। केवल नौजवान ही भूल का सुधार ना करें, बूढ़े भी भूल का सुधार करें, संतुलन बनाने की जरूरत है। जैसे सास बोल रही है और घर में बहू पढ़ी लिखी है लेकिन वो सुन नहीं रही है, तो एक बार सास को थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि कारण क्या है, आखिर मेरी बात मानी क्यों नहीं जा रही है, सुनी क्यों नहीं जा रही है, जबकि मैं पावर के साथ कह रही हूं। तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो फॉल्ट है, क्यों भाई? है फॉल्ट कि नहीं, उस फॉल्ट को ठीक करो, सुधारो उसको, कि कैसे सुधारना चाहिए सीखो समझो। फॉल्ट वाल्ट कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, स्विच चटर पटर मचा रहे हो, स्विच को ऑन ऑफ करने से कोई फायदा नहीं है, पहले फॉल्ट देख लो कहीं फॉल्ट तो नहीं है, उस फॉल्ट को अगर ठीक कर दोगे तो अपने आप बोलो प्रकाश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पावर सप्लाई होगी तो सफलता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। बस यही कारण है कि चाहे बूढ़ा हो समाज का, चाहे नौजवान हो, चाहे सास हो चाहे बहू हो, इन दोनों को आपस में पहले यह समझना है कि फॉल्ट कहां है। जामवंत जी ने इस पर विचार किया, इसलिए सुंदरकांड आगे बढ़ गया था और इतना विस्तार हुआ सुंदरकांड का कि जो भी कार्य हुआ आगे वो सब सुंदर ही सुंदर हुआ। बस फॉल्ट समझ लिया किसने? जामवंत जी ने। इसलिए बूढ़ों को मैं आज बता रहा हूं, इस मंच से संबोधित करते हुए प्रेरणा दे रहा हूं, क्योंकि मैं धर्माचार्य हूं, मुझे कहने का अधिकार मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूं। यदि कोई साधारण व्यक्ति नौजवान होता और कहने लगता बूढ़ों के लिए, तो ये समाज के खिलाफ बात थी कि देखो आजकल के बच्चे बूढ़ों को बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मैं धर्माचार्य पद पर बैठा हूं और मेरा भी कथा का पुराना अनुभव हो गया है और एक आचार्य पीठ पर बैठा हूं परंपरागत और अधिकार पूर्वक ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए ये बूढ़ों के लिए ये रामचरितमानस का सुंदर कांड आदेशित कर रहा है। कौन सा कांड आदेशित कर रहा है? सुंदर कांड। मैं नहीं कर रहा हूं आदेशित, रामचरितमानस का सुंदर कांड आदेशित कर रहा है, मैं तो मध्यस्थ हूं। जामवंत जी बोल रहे हैं और हनुमान जी से कह रहे हैं, कहई छपति। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है तभी तो सुन रहे हो, नहीं आजकल कोई किसी की सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहता, लेकिन यहां तुम सैकड़ों की संख्या में बैठे हो, बोलो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, और कान लगा के सुन रहे हो और आंखों से देख भी रहे हो, मन की एकाग्रता जिसको कहते हैं, भले ही तुम्हारा इधर उधर आंख कहीं हो, कान तो हमारी तरफ लगे होंगे तो भी सुनाई देगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि और मन एकाग्र है और कान से तुम सुन रहे हो, क्योंकि भाव भंगिमा बता रही है, ये भाव भंगिमा तुम्हारी बता रही है कि तुम सुन रहे हो, और ये बैठी बैठी सुन रही है,
इनकी भाव भंगिमा नहीं तो एक दूसरे में आपस में बातें करती रहती हैं, कथा होती रहती है, वो कहती हैं और मालती और कांति चलो शांति, ये सब बतियाती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, हैं। अच्छा इनको कहा भी जाए कि रे सुनो 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 सुनो, हल्ला मत मचाओ, हमारी बात सुनो, तो कह देती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम कौन? लेकिन देखो सुन रही हैं, इसका मतलब है समझ में आ रहा है। क्यों भाई समझ में आ रहा है?